So let's start the webinar of Akashic Records. What do you mean by Akashic Records? Akashic Records सभी ने बहुत बार सुना होगा शायद. हमारे माइथोलॉजी में जैसा है कि चित्रगुप्त हमारा सारा रिकॉर्ड बना के रखता है, राइट? दैट इज वन सेक्शन ऑफ अकाशिक जो हमारे माइथोलॉजी में पहले ही बोला गया. इनफैक्ट आपको बहुत सारे पुराण, और अगर आप लोग हमारे संस्कृति की तरफ जाते हैं तो अगर आपने हमारा वेदा या इन सब में भी जाओगे, कहीं ना कहीं आपको उस लैंग्वेज में, उनके ऋषि मुनियों के लैंग्वेज में ये मिलेगा. कि जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब हमारी डेथ होती है तो सोल कहाँ से कहाँ जाता है, और ये गरुड़ पुराण हम सब के घर पे पढ़ा जाता है, राइट, आफ्टर द डेथ. सो बट देन द रिलेवेंस ऑफ अकाशिक रिकॉर्ड इज हमारा जितना भी जन्म का रिकॉर्ड है वो सब उस लाइब्रेरी में है, करेक्ट? जैसे अगर आपको साइंस के बारे में कुछ या फिजिक्स के बारे में कुछ पढ़ना है तो आप कहाँ पढ़ोगे? पहले लाइब्रेरी जाते थे, अभी भी कुछ लोग जाते हैं लाइब्रेरी, एल्स वी गूगल इट, राइट, या किसी को पता है तो उनसे पूछते हैं. बेसिकली द थिंग इज जो भी हमारा डाउट है वो क्लियर हो जाए किसी ना किसी संपर्क से संपर्क करके. वैसे ही लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मे इट बी हेल्थ, मे इट बी प्रोफेशनल, मे इट बी मनी, मे इट बी रिलेशनशिप, मे इट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डेली का प्रॉब्लम होता है. सो वो कहाँ जाके आप लोग पूछोगे, किससे पूछोगे? डेली डेली किसी को क्या पैसे दे दे के प्रेडिक्शन लेते रहोगे, या डेली किसी से पूछ पूछ के आप हीलिंग कराते रहोगे? कितना कर लोगे, कितना पूछ लोगे? बिकॉज डेली का डाउट है ये. तो उसके लिए अकाशिक रिकॉर्ड इज अ बेस्ट टूल टू डेवलप योर इंट्यूशन, टू वो थर्स्ट होता है ना एक इंक्विजिटिवनेस का, कि आज क्या होगा, अभी क्या होगा. देयर आर सो मेनी डिसीजंस व्हिच वी हैव टू मेक, बट वी गेट स्टक whether to do this or to do that, और ये beneficial है या नहीं है. Everything is written in your soul book. जैसे बहुत केसेस आते हैं specially akashic record opening and उनके बारे में questions पूछना, right? एक teenager का phone majorly बहुत बार आता है मेरे पास. I don't want to reveal the entire story because it's a personal thing. But जैसे ही आप रिकॉर्ड खोलते हो आपको पता लग जाता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, एंड उनको आप सावधानी कर सकते हो, स्पेशली द टीनेजर्स जिनको इस टाइम में दे नीड अ हैंड होल्डिंग, कि इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप ठीक है, इनके साथ ठीक नहीं है, ये रिलेशनशिप आपके लिए बेनिफिशियल है, ये ठीक नहीं है, ये प्रोफेशन आपके लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है. एंड दैट टू व्हेन दे बिलीव इन ऑल दीज अकल साइंसेस, राइट? सो लेट्स गो एंड सर्च व्हाट इज अकाशिक रिकॉर्ड. सी आई एम जस्ट गिविंग यू द गूगल पिक्चर दैट हाउ यू कैन कनेक्ट to your Akashic record, but not necessary it will look similarly like the Google picture. बिल्कुल ऐसा ही book मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है. Each and every journey, जब भी आप अपना record open करके ऊपर, ऊपर means ether में जब जाते हो, Akashic is all about ether, space. It's Akasha element. तो जब वहां जाते हो तो आपको अपना रिकॉर्ड मिलता है विद द हेल्प ऑफ, यस आई विल टीच यू हाउ टू गो देयर, हाउ टू मीट द हायर बीइंग्स, हाउ टू अट्यून टू योर ओन एनर्जी, राइट? सो यू विल बी गोइंग इनटू अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ योर ओन रिकॉर्ड टू सी कि आपके जर्नी में हो क्या रहा है. एंड बिलीव मी, जितना भी अभी हो रहा है
वो सब कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड है। पास्ट मीन्स पास्ट जन्मा या इसी जन्म का पास्ट, कुछ भी हो सकता है। नोबडी कैन अश्योर कि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इसी, यू नो, समबडी किसी को अगर किसी के बॉस से बहुत प्रॉब्लम है, कोई बॉस बहुत तंग कर रहा है, लाइक ए मदर इन लॉ, यूनिवर्सल प्रॉब्लम, राइट? तो क्या करेंगे हम? ऐसा रिश्ता भी नहीं हो सकता है कि आप तोड़ के चले जाए, हर बार ही नौकरी छोड़ छोड़ के जा सकते हैं क्या? फिर पैसा कहाँ से मिलेगा, खाना कहाँ से मिलेगा? सो देयर माइट बी समथिंग इन योर बैगेज, उसको जाके ढूंढेंगे हम कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस पैटर्न इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। योर ओन रिकॉर्ड विल शो यू द आंसर। बेसिकली व्हाट इज अकाशिक रिकॉर्ड? अकाशिक अकाशिक इज आकाशा मटेरियल जो आपके साथ नहीं हमेशा होता है, नहीं यार जो आपके साथ जब से सोल जन्म हुआ है तब से है, बट हमें कभी अट्यून नहीं किया उसको, क्योंकि हम जैसे हमारा सोल बर्थ होता है, वी आर एनवेलप्ड इन द माया, राइट? हमें सब कुछ भूल जाना होता है, जितना भी हमारा पास जर्नी है। दैट इज हाउ वी डील विद आवर ओन सेल्फ। अगर वो सब हमें याद हो जाए तो हमारा पेन ड्राइव जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर उसमें डेटा इतना हम हैंडल भी नहीं कर पाते, वी विल गेट ओवरवेलम्ड। सो यू हैव टू अट्यून टू योर सेल्फ विच इज योर ओन हाउस। आकाशिक इज योर ओन हाउस, आप अपने घर पे जा रहे हो, दैट इज आकाशिक। नाउ इफ आई टेल यू द सोल जर्नी, दिस इज द सोल जर्नी, ये सब पीपीटी मिलेगा रश्मि, नो नीड टू टेक द पिक। ओके Yes. One ओके cat ओके is sitting on in ओके my ओके window. That's why इट I'm इज समथिंग thinking. एल्स, ओके ओके Sorry. ओके 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 फाइन 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 फाइन। सो दिस इज यू, दिस मिनिएचर इज यू, दिस इज जीवात्मा। इस इनके ऊपर जो क्राउन से ब्लू कलर का आ रहा है, दैट इज वेयर योर एंटायर, यू कैन से योर एंटायर चिप, पेन ड्राइव में जैसे होता है वैसा सब कुछ वहां पे होता है। उसको हम टैप इन करने के लिए क्या करते हैं? मेडिटेट, स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब सबका स्पिरिचुअल जर्नी इज डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि किसी ने मेडिटेटर मेडिटेशन नहीं किया तो वो स्पिरिचुअल नहीं है, सॉरी ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल बॉडी सबके पास है, इवन वो बुद्धा वाला एक है ना अंगुलीमाल, वो कितने लोगों को मारा उसने, फिर भी वो स्पिरिचुअली हाइक हुआ है, राइट? सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोंट गेट इन टू दिस राइट एंड रॉन्ग थिंग कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो स्पिरिचुअल नहीं है। नो, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव कि वो इमीडिएटली चेंज कैसे हो जाता है, एक एकदम से कोई शिफ्ट भी कर सकता है। सो यहाँ पे आपका सबका पेन ड्राइव होता है, पूरा डेटा इज फिल्ड हियर। नाउ व्हेन वी मेडिटेट और व्हेन वी गो टू आकाशिक, वी विल टैप इनटू दिस एनर्जी, राइट? इसके बाद हम हायर सोल से मिलेंगे। हम सबका एक बॉस है जिसने हमें इधर भेजा है, एंड ही इज लुकिंग ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ अस इज बीइंग वॉच्ड कि हम कर क्या रहे हैं, विच इज, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, मैम व्हाट इज माय डिवाइन प्लान, कल का प्लान का पता नहीं, व्हाट इज माय डिवाइन प्लान। सो हायर सोल के पास सारा डिवाइन प्लान होता है कि हम क्यों आए हैं इधर, क्योंकि वो बॉस है ना, उसने कुछ काम दिया है हमें। इसके बाद हमारा डिवाइन स्पार्क विच इज नोन एज परमात्मा, उनके ऊपर है परब्रह्मा। तो एक्चुअली देखा जाए तो वी आर परब्रह्मा, क्यों? क्योंकि परब्रह्म का जो कण है वो परमात्मा में आया है, परमात्मा से हमारा आत्मा में आया है, आत्मा से जीवात्मा में आया है जो हम है। तो हम तो वी आर गॉड ओनली, वी आर इनफाइनाइट बीइंग, बट हम इस ग्रिप में आके वी थिंक कि यू नो हम एक बहुत छोटे से लोग हैं, बट एक्चुअली वी आर इनफाइनाइट सोल। सो दिस इज द जर्नी ऑफ द सोल जो मैंने इतने छोटे से जस्ट में बताया। व्हाई आर वी टॉकिंग?
बिकॉज जब हम आकाशिक में जाएंगे वी विल मीट ऑल दिस डिवाइन स्पार्क, सबसे अपने अपने क्षमता के हिसाब से वी विल मीट. ऐसा नहीं है कि संगीता ने बोल दिया तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब दे विल मीट. नो, आप सबका स्पिरिचुअल जर्नी के हिसाब से एक्सपीरियंसेस होता है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है ना किसी का कोई रोल है. कल को आप भी अगर किसी को पढ़ाओगे तो आप भी यही बोलोगे, क्योंकि वी कैन गाइड यू टिल एक एक हद तक, उसके बाद इट्स योर जर्नी. कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हो, इवन जब स्कूल में भी पढ़ते हैं, कोई टीचर आपको ये तो नहीं बोलेगा तू इंजीनियर पक्का बनेगा क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, बोलेगा नहीं. बिकॉज आफ्टर दैट इट्स योर ओन थिंग हाउ यू इवॉल्व. आप इस जीवात्मा से, आत्मा से, परमात्मा से, परब्रह्मा तक जा रहे हो, इट्स योर ओन स्पिरिचुअल जर्नी विच विल टेक यू फर्दर. एंड ये कौन कौन कर सकता है? हर कोई कर सकता है, ईच एंड एवरीबडी कैन डू दिस जर्नी, क्योंकि सबका सोल है, इंसेक्ट का भी सोल है, उसका भी आपको आकाशिक रिकॉर्ड मिलेगा. मैं अपनी पेट का भी आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करके देखती हूँ, जब भी वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, जब बीमार हो जाता है, कुछ भी होता है, एंड आई डू हीलिंग एज पर द दैट सोल नीड्स. हर सोल का नीड अलग अलग है. Who can access this record? See, what is this? This is a kind of quantum physics, जैसे साइंस में बोलते हैं ना. बिकॉज हर हमारे सेल में कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस इज वन विथ एवरीथिंग विच इज क्वांटम. सो वेन यू सिट हियर एंड देन यू ओपन योर क्राउन, आप कहाँ जाते हो? इन योर मेडिटेटिव स्टेट विच इज आकाशिक. राइट, तो वैसे जैसे पहले जमाने में कैसे होता था, जैसे गुरु शिष्य परंपरा चलता था, गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे, वो लिखते भी नहीं थे तब. उनको इतना ज्यादा ब्रेन पावर है कि एक बारी कोई मंत्र उच्चारण कर लिया किसी ने तो वो दैट गेट्स रजिस्टर, है ना. जैसे राम का एंड ऑल, अगर उस माइथोलॉजी में जाए तो वो रजिस्टर हो जाता है. उसके बाद इवॉल्व हुआ डॉक्यूमेंटेशन, लिखने का काम, जिसमें से बहुत सारे हमारे इंडिया के डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए गए. तो इतना हमारा मिला भी नहीं कि पहले ऋषियों ने क्या क्या बोला एज पर द आकाशिक. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी ओल्ड परंपरा विच वी आर लर्निंग हियर नाउ. इसको अभी वेस्टर्न साइड वाले बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा दे आर मार्केटिंग इट. एंड बिलीव मी, एक्सेस करने के लिए, क्योंकि मैंने इधर बहुत लोगों को पढ़ाया इसी प्लेटफॉर्म में, इसी प्लेटफॉर्म में आई थिंक पिछले साल से लेके अगर अब तक अगर हम बात करें तो लगभग 200 लोग हो गए होंगे, इतने लोगों को पढ़ा दिया हमने. एंड इतने लोगों में से सबको एक्सेस हुआ है ये रिकॉर्ड, सिर्फ एक को छोड़ के, जिसमें आई थिंक इट्स फाइन राइट. बट हीलिंग जब करते हो तो सबको फलित हुआ आज तक. सो इट्स व्हाट आई मीन इज इट्स वेरी इजी, किसी भी चीज को इतना टफ मत बनाना. मैंने बहुत सुना है, जो मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने ही बोला है, अगर वो लोग इधर हैं तो, हमारे उन्होंने जितने भी अभी तक किए हैं सबने क्या किया है, एक्सेसिंग द रिकॉर्ड सिखाते हैं आपको, हाउ टू एक्सेस योर आकाशिक रिकॉर्ड और हाउ टू डील योर पास्ट कर्मा, समथिंग लाइक वन लाइन. एंड nobody gives how to heal it, nobody give you the tool of healing. Okay, now benefits of accessing these records. Why we are here talking about akashic record? Because it has got many 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 benefits. We are made up of solid, liquid and gas. थ्री एलिमेंट्स तो है ही हमारे पास, इसीलिए हमारा जो बॉडी है वो कभी ऊपर नीचे होता रहता है, बिकॉज ऑफ हेल्थ, बिकॉज ऑफ मेनी एनर्जी डिस्टर्बेंसेस. व्हेन वी गेट इनटू दीज काइंड ऑफ अकल साइंसेस, आपका क्या बढ़ जाता है? आपका एक्सेसिंग पावर टू द कॉस्मिक एनर्जी विच इज मेड अप ऑफ ईथर
विच इज मेड अप ऑफ स्पिरिचुअलिज्म वो बढ़ जाता है, एस्ट्रल एलिमेंट्स हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं जिससे हमारा इंट्यूटिव लेवल बहुत बढ़ जाता है. एंड यू नो व्हाट, मेरे को बहुत लोगों का टेस्टिमोनियल्स भी मिले हैं, व्हेन दे स्टार्ट दिस जर्नी फर्स्ट देयर पर्सनालिटी चेंजेस, सेकेंड देयर हेल्थ इश्यूज गोज ऑफ बिकॉज यू आर अट्यून टू अ हायर वाइब्रेशन. तो ये लोअर वाइब्रेशन वाली एनर्जी नहीं छूती है आपको. ओके, कैन वी डू अ स्मॉल एक्सरसाइज हियर? लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू योर ओन आकाशिक फील्ड. ठीक है, आई होप एवरीबडी कैन सिट इन अ वेरी पीस एंड कम्फर्टेबल प्लेस फॉर 5 to 10 minutes. क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल ओके. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स क्योंकि कुछ लोगों का अभी मैसेज आया पर्सनल, दे जस्ट वॉन्ट 2 मिनट्स. ओके, तब तक आप लोग अपना अपना एरिया बना लीजिए जहां पे आप आराम से बैठ सकते हैं. ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल, फोकस ऑन योर ब्रेथ, एक्सहेल, फोकस ऑन योर फुट. इनहेल, focus on your heart, exhale, focus on your crown, inhale the loving energy, exhale the stress, inhale and exhale. Visualize yourself in a beautiful park. Visualize आप एक beautiful park में चल रहे हैं. And there are beautiful flowers which are actually connecting to you. You can lie down on the park and take the ground prana. Inhale, let this ground prana cleanse your entire system. Exhale, may your Muladhara chakra be completely activated through this ground prana. May your Swadhisthana chakra be completely cleansed and energized. May your solar plexus chakra, which is located in the middle of the diaphragm, be thoroughly cleansed and thoroughly energized. May your heart
be thoroughly cleansed and thoroughly energized. Concentrate on your throat. Just release all kinds of worries, tension. Release, release, release. Let your throat chakra be completely healed. May your Agnya chakra, which is located in the mid of the eyebrow, be completely healed. Now concentrate on your crown. Through the crown, we will go up, up, up. Visualize the stairs in front of you. All the angels, all the higher beings, your guru is helping you to climb through the stairs of Akashic. Go higher, go higher. Feel the lightness in you. Fly up in the sky. A door is opening for you. There is a beautiful golden colored door which has opened up for you. Someone is waiting for you. You can say namaste to that humongous, big, gigantic being. Ek bahut bade se golden aura aapke samne dikhega. Just say namaste and sit in your Akashic field for some time. Relax your body. Experience this moment. No need to ask anything. Just enjoy the energy there. You can receive few intuitions. If you want, you can feel your Akashic book. Slowly come back to the body.
slowly come back to the city, come back to your house, come back into your body. Whenever you are ready, you can open your eyes and share your experience. जी प्रमिला जी कुछ बोलना है? मैम, मुझे एक सॉरी टू, अभी मैं लास्ट में बोलना चाहती थी। तो मुझे एक टीचर मिली थी जो हीलर भी है और प्रोफेशनल है। तो जब मैंने उनको बताया कि मैंने आकाशी किया है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तूने गलत ये किया है, आकाशिक में हीलिंग नहीं होती, ओनली वी कैन एक्सेस टू द रिकॉर्ड। मैंने कहा कि नहीं, हमें तो सिखाया गया है। तो बोले नहीं, वैसा नहीं होता। तो आज फिर मैंने तो आप पे ही बिलीव रखा। मैं बोली नहीं, मुझे सिखाया गया है मतलब करेक्ट है। तो आज मैंने वापस से ज्वाइन किया और फील किया कि लिटरली मैं बुखार में हूँ और तबीयत ठीक नहीं है, पर इतने से छोटे से प्रोसेस में भी वहां पर हीलिंग हुई और वो डिफरेंस मुझे लगा कि नहीं, हीलिंग होती है। उन्होंने गलत बोला। ऑब्वियसली यू हम आर दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू इतना जल्दी बाई कर लेते हैं कि हम अपने आप को रोक लेते हैं, राइट? इट्स ओके, उनको उतना ही पता है, दैट्स ओके. नहीं, पर आप मेरे चीजें काम करती को प्रूफ की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं. ओके, थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंस. हाँ जी प्रियंका, बताइए. प्रियंका, हाँ बताइए प्रियंका, हेलो, बोलिए. वेरी कैन यू हियर मी? लाइट. ओके, जस्ट अ सेकेंड मैम. नाउ कैन यू हियर मी मैम? बहुत लाइट से सुनाई दे रहा है आपका आवाज, वेरी थिन. तो मैं ऐसे ही कुछ हाँ, करती अब थोड़ा ठीक है, बेटर. या हूँ. ओके, सो माय एक्सपीरियंस वाज लाइक दिस दैट ठीक है, जब आपने कहा कि हम ऊपर जा रहे हैं स्टेयर से, सो आई इमेजिन दैट थिंग हैपनिंग एंड आई ऑल्सो वेंट थ्रू दैट डोर, गोल्डन डोर. एंड उसके बाद फिर आई वॉज सिटिंग देयर डूइंग सम काइंड ऑफ मेडिटेशन पोजिशन. आई वॉज सिटिंग वेन यू टोल्ड मी, एंड ओके इट फेल्ट मी लाइक दैट अ बुक इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वाइट ओके बुक. ओके बट आई वॉज स्केयर टू ओपन दैट बुक. वाई? ओके बिकॉज आई वॉज स्केयर टू ओपन दैट बुक बिकॉज लाइफ में जो यस, नेगेटिव हो रहा होता आई है, नो आई नो आई नो. तो आई वाज नोइंग दैट जो अभी हम जो कर्म भोग रहे होते हैं, देयर करेक्ट मस्ट बी करेक्ट समथिंग करेक्ट, नेगेटिव व्हिच आई वाज मस्ट आल्सो हैव डन इन प्रीवियस जन्म और या व्हाट एवर. या तो सो मुझे लगा कि मैं बुक ओपन करूंगी, सो कुछ आई माइट नेगेटिव नॉट दिख जाए. सुपर इम्पोज माई थॉट्स इनटू इट, कि जो अगर मैं सपोज कुछ हो रहा है, अगर मेरी लाइफ में गलत, तो मैं अपने थॉट्स ना सुपर इम्पोज कर दूं कि ये कारण होगा, वो कारण होगा सब. मैं अपने इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट बुक कि वो मुझे पता है, मैं ना अपने थॉट्स उसके अंदर डाल दूं. सो आई वाज वेटिंग. परफेक्टली फाइन फाइन, हाँ बट इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ, अक्नॉलेज दैट, राइट? यस यस सो हमारा ब्रेन थोड़ा ना प्रॉब्लमेटिक है, नेगेटिव के बारे में ज्यादा सोचता है. इससे अच्छा ये सोचे प्रियंका का जर्नी कितना मजेदार है यार, ये नहीं हाँ, सोचा सब असाइनमेंट कुछ डालना जाओ. अच्छा, सब कुछ अच्छा हो रहा था वहां तक पहुंचते थे, बुक को खोलने में डर लगा. दैट्स ओके, इट्स हाँ ओके. वो फियर एंड डाउट, ये दो चीज है यस जो हम पूरे इस जर्नी में निकालेंगे. क्योंकि जब भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आते हो ना, फियर नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए.
ये दो एनर्जी है जो आपको पुल करेगा, ठीक है? एंड बिलीव मी, हेलो, हाँ जी इन दोनों को निकाल के ही दम लेती हूँ मैं। हाँ जी बताइए पवन जी। हाँ जी मैम, मैं भी बुक तक पहुंची, बुक मेरे सामने भी आई है, और ओके मैम वो ऊपर नीचे से तो सील थी, लेकिन बीच में से ऐसे ओपन हो रही थी, हाँ और हाँ बीच में येलो बड़ा सा डॉट आ रहा था, जैसे कि एक मतलब एक आंख बन रही थी, ओह ग्रेट, वेरी नाइस। और मैम एंड में मुझे मतलब कि व्हाइट एनर्जी तो थी मैम, पर वो बहुत हाँ सिमिलर हनुमान जी की लगे, मतलब वाह एंड में अमेजिंग मैं वो थे जब आपने फिर वापस बुला लिया, मैं अमेजिंग। बड़े हीरोज और एकदम व्हाइट व्हाइट ही जैसे होते हैं ना, पूरे उनके बाल भी व्हाइट, सब कुछ व्हाइट। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज दिखेगी आपको, बिकॉज ये 6 मंथ्स का सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको हर एक बीइंग आके मिलेगा, बोलेगा हेलो मैं इधर हूँ, मेरे को देखो। अभी तक जो पिक्चर में लगा के हम लोग पूजा कर रहे थे, वो लोग सब सामने आएंगे। ओके सॉरी, इमेजिनेशन का पार्ट है या ये सच है? सॉरी इज इट पार्ट ऑफ अवर इमेजिनेशन कि हम जो देखना चाहते हैं हम वो देखते हैं, या ये सब कुछ जो होता है वो दिखता है? आपको क्या लगता है? मैं 18 ईयर्स से हूँ इस पूरे जर्नी में, ओके ओके? मैंने अपना 18 ईयर्स ऐसे ही टाइम पास छोड़ दिया, ऐसे ही मेरे को दिमाग में कीड़ा है आ रहा, आता जा रहा है। डू नहीं, मैं यू थिंक लाइक दैट? ऐसा दिखता है? वो लाइव थे, ऐसे इमेज नहीं थी, एक्चुअल में बैठे हुए थे, अच्छा सो ऐसा फील है। एवरीथिंग इज रियल बिकॉज आप किसी के घर जाते हो प्रियंका, ठीक है? आपको अच्छा नहीं लगता, यू आर जस्ट मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कभी कभार होता है हमारे साथ, हुआ है आपके साथ ऐसा? कोई आता है आपके घर पे आपको नहीं पसंद, या कहीं जाते हो तो नहीं उसके साथ नहीं जमती है मेरी, ऐसा हुआ है? क्यों आपके दिमाग में भ्रम है, ऐसे क्यों हुआ है? प्रियंका तो बड़ी हायर सोल है। इट्स एनर्जी, इट्स योर इंट्यूशन विच इज टेलिंग यू सी प्रियंका दिस इज नॉट गुड फॉर यू, ओके? सो मैम मुझे भी कुछ, एक्नॉलेज योर इंट्यूशन, फिर वो ज्यादा फ्लो करेगा। ओके थैंक यू मैम, मुझे भी कुछ बताना है मैम। बताइए। मैंने बुक देखा है, हाँ खुला हाँ हुआ एक बुक देखा है, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ भी था, हर एक वर्ड मुझे समझ में नहीं आया, ओके उसमें बॉर्डर मतलब लाइनिंग किया हुआ था गोल्डन टाइप का, फुल टाइप का, थोड़ा सा लीफ टाइप वाओ क्या का, डिस्क्रिप्शन है, वाओ वेरी नाइस, हाँ वो खुला हुआ था, लेकिन उसमें बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ था, ओके। और मैं पहले तो वही ओपन बुक देखा, फिर उसके बाद मैंने देखा बहुत सारा बुक है, बहुत सारा, बहुत सारा, हाँ आपकी सारी जर्नी का बुक्स आ गया आपके सामने। हाँ बहुत सारा बुक है, उसमें से एकदम से सबसे पुराना वाला बुक देखा मैंने, उसमें हाँ जैसे कि अभी का जैसा डायरी जैसा नहीं है हाँ वो शायद थोड़ा एकदम से जस्ट ऐसे फोल्ड टाइप का है, फ्लैश, हाँ ठीक है फाइन, हाँ स्कूल और टाइप का। ब्राउन टाइप का है वो, ब्राउन टाइप का वो है कुछ, लेकिन क्या लिखा है शायद मतलब मुझे कुछ इतना वो समझ नहीं आया, अभी वो लेकिन लैंग्वेज आपको पता नहीं है, आप न्यू स्टूडेंट हो। और मैंने ऐसे ही जो मैंने जो पहले फर्स्ट बुक जो खोला हुआ था जो मैंने हाँ देखा, उसमें मैंने मुझे कुछ कुछ मतलब लेटर जो समझ में आया, एक तो मतलब सी था, हाँ एक यू था, एक के था, मुझे ओके वो ही लेटर क्लियर हुआ है, बाकी सब लेटर में देखते हुए भी मतलब उसको मतलब एक एक लेटर मतलब कुछ कुछ बीच राइट बीच इट में डाउन, राइट इट डाउन, क्योंकि जो भी इंट्यूशन दिखता है ना इट्स लाइक ड्रीम। आपको इतने सारे ड्रीम देखते हो रोज रोज, आपको याद रहते हैं क्या? नहीं ना, नहीं। भूल जाते हैं। तो इंट्यूशन जो है आता है तो प्लीज राइट इट डाउन, वरना वो ना भूल जाते हैं हम लोग से। तो जब और जर्नी में आओगे देन वी विल फिगर इट आउट ये है क्या। वैसे ही मुझे मतलब ऐसे बुक सेल पूरा का पूरा बहुत बड़ा था, कम शेल्फ से दिखा। मतलब पूरा मतलब, फिर उसमें से मैंने एक में वो माइक को थोड़ा, थोड़ा पास में रख के बात कीजिए ऐसे। हाँ मतलब एकदम से बहुत बड़ा बुक सेल दिखा, हाँ जो हाँ टेबल था उसमें तो खुला हुआ किताब था, फिर हाँ मैंने हाँ एक कुछ ग्रीन कलर का भी मैंने वो मतलब बुक या डायरी टाइप
बड़ा करके देखा है, और एक मैंने सेल में देखा है कि बहुत सारा बुक्स के साथ एक मतलब बुक है, लेकिन वो थोड़ा छोटा साइज का ही, लेकिन बहुत चमक रहा था, ग्रीन टाइप का। तो उसके बाद ही मेरे को वो जो सबसे पुराना ब्राउन कलर का देखा था, लेकिन मैं उसको खोल भी नहीं पाया, एकदम से निकाल नहीं पाया, निकालने के बाद मैं लेके नहीं आ पाया। मैं लेके आना चाहती थी, वही नहीं, वो नहीं ऐसे कर नहीं लेके आ सकते हो पाया। आप, वो उनकी प्रॉपर्टी है, ऐसे नहीं लेके आ मैं सकते। खोल भी नहीं पाया उसको, जस्ट मैंने निकाला, बट मैं उसको हाँ खोल के पढ़ भी नहीं पाया। वही इट्स है। ओके, जैसे टाइम होता है, अगर आप एंटाइटल्ड हो उसको लेके आने का, कुछ कुछ गिफ्ट भी मिलेगा आपको ड्यूरिंग द जर्नी। सो इट्स एक्चुअली, अगर आपको जो मिलना है ना वो आप लेके भी आओगे और आप उसको एंजॉय भी करोगे। जो नहीं मिलना है आपकी किस्मत में, उसको लेके नहीं आ सकते हो। और ये जो तो अंडरस्टैंडिंग मैं है इसको डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो मतलब आकाशिक, ऊपर ऊपर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई एम यूज टू यूज दैट वर्ड, ऊपर मतलब आकाशिक। ओके, जब भी आप हाँ आकाशिक खोलोगे, कोई भी इंट्यूशन, जैसे आपने बोला वो वर्ड मुझे नहीं समझ में आया, उसको कैसे समझना है ये भी सिखाऊंगी मैं। हाँ, और कुछ बोलना है आपको? मैंने वही मतलब ऊपर ऊपर बोला ना आपने, मैं सीढ़ी चढ़ के ही गया, मतलब हाँ, थोड़ा व्हाइट कलर का टाइप का, वाइट कलर। मतलब क्लाउड के साइड ऊपर से, मतलब सीढ़ी चढ़ के ही गया, और ऊपर में एकदम से प्लेन टाइप का था, मतलब व्हाइट का। फिर उसके बाद आपने मुझे मतलब व्हाइट टाइप का ही दरवाजा बोला था, फिर आपने मुझे गोल्डन बोला, तो मैं थोड़ा उसमें गोल्डन इमेजिनेशन करने के लिए ट्राई किया। ओके ओके, फिर सॉरी, आगे से कलर नहीं बोलूंगी, सबको अलग नहीं अलग कलर। नहीं 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 मैम, ऐसा वो नहीं है। हाँ बट मैं वहां पे एंटर होने के बाद भी पूरा प्लेन टाइप का था, कुछ नहीं था। फिर फटक से हाँ एक प्लेन टेबल होता है। दिखाई यस दिया, यस यस एक टेबल दिखाई दिया, वहां पे ही मैंने सबसे पहले थोड़ा सा गोल्डन, जो फूल मतलब मैंने किताब बोला है, हल्का सा गोल्डन कलर का लाइनिंग में बॉर्डर में डिजाइन किया हुआ था, और ग्रीनिश टाइप का बुक था वो, सबसे पहले जो मैंने खुला हुआ देखा वो ही देखा। फिर बाकी सब बुक सेल वगैरह सबसे पुराना वाला बुक देखा वही। वेरी नाइस। और थैंक यू मैम। और मुझे ये जानना था, अभी मुझे इंटरेस्ट मतलब ज्यादा वो बढ़ रही है, ये क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है मैम? ये डेट आपको मिल जाएगी। आप हो क्या व्हाट्सएप वगैरह में, ग्रुप में हो आप? हाँ मैं ग्रुप में हूँ, और मैं ऑलरेडी अभी आकाशी टेरो को मतलब आकाशी अच्छा, रिकॉर्ड आकाशी टैरो कर और रहे हो फर्स्ट आप? लाइफ ओके टेरो ओके, का। ठीक हाँ है, आपको तो इन्फॉर्मेशन उसमें मिल हम लोग जाएगी। का पहला वो मिल जाएगी ना मैम? हाँ हाँ मिल तो जाएगा। वही जानना था मुझे कि, और मेरा लामा फेरा क्लास भी चल रही है मैम हाँ ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल कल। गई। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम मैम हाँ मैं एक बोलना चाहती हूँ कि ये लामा फेरा के साथ कोर्स इंक्लूड है क्या? ये डिफरेंट है, कोर्स लामा फेरा और ये क्यों इंक्लूड होगा? डिफरेंट है ना? आकाशिक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग। ओके okay. मैं ये जानना चाहती थी इसलिए। ओके ओके, रश्मि जी आप अनम्यूट करके प्लीज बता दीजिए जो भी पूछना आपको। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ मुझे। आप जब कह रही थी आपकी क्लास स्टार्ट हुई और एक सडनली ब्लैकिश ग्रे कलर की कैट आके विंडो पे बैठ गई और वो मुझे बिल्कुल कंटिन्यूअस देखे जा रही थी, जब आपने मेडिटेशन के लिए बोला तो मुझे लगा ये क्या मैसेज लेके आई है मेरे लिए। क्यों बैठ रही है बार बार आके? ऐसे 3-4 बार हुआ, बट वो जैसे ही आपने मेडिटेशन स्टार्ट करवाया मैंने देखा स्टेयर केस बिल्कुल घर के सामने ऐसे है, और मैंने अभी जो भी मेरे गुरु हैं जिनसे मैं सीख रही हूँ उन्हें मैंने देखा कि वो मुझे पुश कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, वाह जो बहुत नाइस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि वाह रश्मि जाओ रश्मि जाओ। और मैं बिल्कुल मैंने देखा कि मैं ऊपर चली गई, और एक बहुत ही सुंदर, आपने बोला उसके पहले ही वो डोर गोल्डन कलर का ऑब्वियसली व्हाइट कलर दोनों का ने धक्का दे दिया, उसके बाद मैं कौन सी चीज हूं? नहीं, और मैंने हाँ सोचा वहां लॉजिक माइंड की, अरे मतलब मुझे पहले दिख गया और आपने बोला उसके बाद, क्योंकि सोल शायद आगे आगे चलती है हमारे की उन्हें पता होता है। फिर डोर ओपन हुआ और एक बहुत बड़ा ह्यूज फिगर
जो कि सांता क्लॉज की तरह थे और रेड कलर का था, वाइट जैसे वो होते हैं एज इज वेल, बट अचानक से एक फेस ना रिफ्लेक्ट हुआ जैसे राम जी का फेस है। और हाँ, फिर मैं अंदर गई, वो मुझे अंदर लेके गए और आपने कहा आप बैठ जाओ, तो व्हाइट कलर की चेयर थी जहां उन्होंने मुझे बिठाया और मैं बैठ गई, और चारों तरफ व्हाइट कलर और केवल व्हाइट कलर था लाइक स्नो की तरह। और सडनली थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक मोटी सी बुक मेरे हाथ में है, और हाँ अपने आप कहाँ से आई कैसी आई मुझे कुछ नहीं पता, वो बुक मेरे हाथ में थी व्हाइट कलर, और वो जैसे इधर से आप देखोगे तो गोल्डन दिखता है ना जैसे, हाँ, वैसे समझ गई, दिख रहा था। करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ, तो बहुत ही सुंदर था। और मैं सोच रही हूँ क्या है, और मैंने फिर उसे ऐसे ही पलटा तो कुछ तो एकदम ब्लैंक थे सारे, मतलब कुछ भी नहीं लिखा उसमें, टोटली ब्लैंक। फिर मुझे लगा कि चलो मैं ही लिख देती हूँ कुछ लिखा आपने? कि कुछ नहीं लिखा। हाँ मैंने लिखा कि सक्सेसफुल लिखा, या लिखा था वाह, या मैंने लिखा मुझे नहीं पता, मेरे हाथ कुछ नहीं पता। और एक दो दूसरा शब्द जो दिखा वो था कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे और उसके बाद फिर आपने बोला दे मतलब आप बाहर आ जाओ, तो मैंने देखा कि मैं हाँ। और एक चीज और बताना भूल गई, जब मैं चेयर में बैठी थी व्हाइट वाले, तो किसी ने मुझे दिखे नहीं कौन था, एक गोल्डन कलर का फ्लावर लाके दिया मुझे, गोल्डन कलर। किसके खिलाफ बताओ? हाँ, ग्रेट। हाँ, और फिर उसके बाद वो फ्लावर और वो बुक देख के बस दो शब्द दिखे, और फिर मैं उसी डोर से वैसे ही जैसे आपने बोला ऐसे अपनी बॉडी में फिर मैं वापस आ गई। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक थैंक यू। यू सो मच। सो ये होता है, हाँ, ड्यूरिंग द जर्नी आपको बहुत चीज नहीं याद आएगी। मेरे पास जब आकाशिक रिकॉर्ड खोल के बताओ करके जो कंसल्टेशन आती है, उसमें जो मैं बोलती हूँ, वो उस 2-3 दिन के बाद वो बोलते हैं, हाँ मैम, आपने जो बोला ना वो था, वही है। तो उस टाइम में नहीं रजिस्टर होता है हम लोगों को जब बोलते हैं। तो ये आपके साथ भी होगा, वेलकम टू द ग्रुप। थैंक यू सर। ओके, मैं एक बार सिलेबस बता दूं आप लोगों को। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपसे कि हाँ जैसे मान जी। लीजिए आकाशिक रिकॉर्ड को हम लोग एक्सेस करते हैं, राइट? तो जैसा कि आपने बताया है कि आने वाला टाइम के बारे में इंट्यूशंस डेवलप हो जाते हैं, राइट? क्या डिपेंड्स, ये सही आपकी बात एनर्जी है? कहाँ जा रही है। वो पूरे दिन में ओके। हम मोर देन 60,000 थॉट्स वी क्रिएट। अब वो 60,000 थॉट्स में क्या थॉट आप क्रिएट कर रहे हो, उस हिसाब से आपको मिलेगा, है ना? हाँ ओके। मैंने भी एक्सेस किया मेरा रिकॉर्ड आकाशिक, एंड देन ओके अच्छा एक्सपीरियंस मिला, नो डाउट। ओके और बस मैं ज्यादातर एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगा, कुछ मेरे पास भी रख रहा हूँ मैं अपने लिए सेव करके, राइट? ओके अप टू यू। सो हाँ, इतना जरूर मेरे को आज इंट्यूशन आया है कि आज मेरे को खाने में क्या मिलेगा इवनिंग में। वाह, वेरी तो नाइस। मेरे को आया कि दलिया मिलने वाला है मुझे। अब मुझे नहीं मालूम, अब मैं आऊँ 1 घंटे बाद जाऊंगा तब मुझे मालूम पड़ेगा कि आज मेरे को प्लेट में दलिया आने वाला है, एंड मेक श्योर 100% कि दलिया ही आने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में जरूर बताने वाला हूँ आपको। ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई विल वेट फॉर योर मैसेज। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वेलकम गाइडिंग अस। वेलकम। सो मैं आपको थोड़ा सिलेबस समझा देती हूँ। ये 6 महीने हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सी, इसमें जो लिखा है ना, ये पेज में इतना ही आएगा। 6 महीने का मैं पूरा नहीं लिख सकती इसमें। आई थिंक यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट? एक पेपर में नहीं आता है, क्योंकि जो हम लिखते हैं उससे कई ज्यादा हम पढ़ाते हैं, कई ज्यादा। सो दिस इज बिगनिंग, फर्स्ट मंथ अट्यूनमेंट, 3 अट्यूनमेंट मिलेगा आपको। 6 महीने का कोर्स है ना, तो हर दूसरे महीने, मतलब वेन एवर सी आई गो विद द एनर्जी फ्लो, सो 3 अट्यूनमेंट्स मिलेगा आपको इसमें। फर्स्ट, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछना बहुत नेसेसरी है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, उससे भी ज्यादा यू शुड नॉट वेस्ट हायर बीइंग्स टाइम। उनका टाइम बहुत वैल्यूबल है। हर एक इंट्यूशन वो देते हैं आपको, तो वन शुड नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम। हाउ टू ट्यून योर रिकॉर्ड, रिजॉल्व योर कर्मा। कर्मा के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे।
इमोशनल ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, हेल्थ ब्लॉकेजेस, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस हम सब करेंगे. मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ और क्या क्या है. लाइक शील्डिंग, पाथवे पेयर्स, ये सब पैकेज आते हैं. कहीं पर भी जाओगे ये मिलेगा आपको आकाशिक का. विदाउट शील्डिंग वी डोंट ट्रैवल. अभी तो मैं आप लोगों के साथ हूँ. ओके सो एल्स शील्डिंग करते हैं, फिर पाथवे प्रेयर्स करते हैं. ग्राउंडिंग, कॉर्ड कटिंग एंड कमिंग बैक एंड क्लोजिंग प्रेयर, ये सब आपको मिलेगा. हीलिंग में क्या क्या होगा? हीलिंग में होगा हाउ टू क्रिएट योर गोल्डन बॉल, और उसके बाद कैसे आप हील करोगे, हाउ टू वहां जाके अभी जैसे रश्मि ने बताया मैं अपने गुरु से मिली, बट उनसे भी ऊपर होते हैं जो हमारे सोल के गुरु होते हैं, हु इज नोन एज सदगुरु. उनसे मिलेंगे हम, ठीक है. मनी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये सब जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम होती है ना मेटेरियलिस्टिक, ये सब हम डील करेंगे. इनर चाइल्ड, वूम हीलिंग, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट, हाउ टू क्रिएट योर प्रोफेशनल मैप, फाइनेंशियल मैप, ये सब लिखा नहीं है पर मैं बता रही हूँ आपको. रिलेशनशिप मैप, जैसे गूगल मैप होता है ना वैसे वो मैप, क्योंकि मैं आपको प्रोफेशनल बना रही हूँ यहाँ पे. प्रोफेशनल कैसे करते हैं, आप इसके बाद कॉल्स ले सकते हो आकाशिक का एंड यू कैन चार्ज मनी फॉर दिस राइट आफ्टर दिस कोर्स. हाउ, कोई भी आता है आपसे पूछता है हाउ माई फाइनेंसेस विल बी दिस ईयर, इस ईयर का मेरा फाइनेंसेस बताइए, तो आप कैसे देखोगे उस, एक मैप क्रिएट करेंगे फिर हम बताएंगे, वो सब मैं इसमें पढ़ाऊंगी आपको. सो बेसिकली आप लोगों को मैं प्रोफेशनल बनाऊंगी. देन वी विल, मैं आपको कुछ टूल्स दूंगी. जैसे कोई नेगेटिविटी देखी आपने कहीं, हमारी हीलिंग कर रहे हैं हम लोग, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, उसी में नेगेटिविटी है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इज आर्कएंजल माइकल का स्वॉर्ड, फिर आएगा महामृत्युंजय, फिर एनिमल स्पिरिट से भी हीलिंग करेंगे बिकॉज आई एम अ शमैनिक हीलर. सो एनिमल स्पिरिट्स के साथ भी हम हीलिंग करेंगे, और बहुत सारे टूल्स मैंने रखा है इसमें, ठीक है. इसमें है एक पारस मनी का टूल. सो देर आर मेनी मेनी इनर टीचिंग टूल्स हैं जो मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहती, मैं भी क्लास में रिवील करूंगी. ओके, लेट इट बी सरप्राइज फॉर यू. गेट अट्यून टू योर एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड को अट्यून करना बहुत बहुत जरूरी है. व्हेन आई से कि आपको प्रोफेशनल बनाऊंगी, कैसे भी आ सकते हैं क्लाइंट, अब वो क्लाइंट कभी आपको दिख सकता है कि उनके एंसेस्ट्रल में प्रॉब्लम है, इसलिए वो जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा है, इसीलिए इनका रिलेशनशिप सही नहीं हो रहा है. फिर हम एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड में जाके उसकी हीलिंग करेंगे, तब जाके प्रेजेंट लाइफ ठीक होगा. ओके, इनहेरिटेड पैटर्न्स जो भी है आपका, जो भी ब्लॉकेजेस है, जैसे वाटर फोबिया हो गया, किसी को, आई मीन आई एम अ मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक रिमूवल ऑल्सो. ओके सो वो भी सिखाऊंगी कैसे करना है इसमें. लर्न कॉर्पोरेट हीलिंग, बिजनेस हीलिंग. देन आई एम एन एस्ट्रोलॉजर तो मैं अपने प्लैनेट्स तो नहीं छोड़ सकती, तो प्लैनेट्स की हीलिंग भी सिखाऊंगी. क्रिस्टल, जेम, वायलेट फ्लेम हीलिंग, आकाशिक ब्लैक मैजिक ऐड किया है मैंने, एंड कुबेर लक्ष्मी हीलिंग विच इज अष्टलक्ष्मी हीलिंग, ये दोनों डिफरेंट है, एंड फेंगशुई हीलिंग भी मैंने ऐड किया है इसमें. ओके, हाउ टू अलाइन योर हाउस पैटर्न एज पर द कॉस्मिक एनर्जी, इट्स अ काइंड ऑफ वास्तु एंड फेंगशुई मिक्स, ठीक है. एनिमल स्पिरिट्स एंड हाउस हीलिंग, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेट इट बी सीक्रेट फॉर एवरीबडी. ज्वाइन द ग्रुप और फिर लेट्स एंजॉय द जर्नी. एनी फर्दर क्वेश्चंस? मैम कब से जी, स्टार्ट होगा ये? ये मेरा अभी ना आई बिलीव 2 हफ्ते बाद होगा. माई टाइम इज मंडे एंड वेंसडे 7:30. अच्छा वो भी मैं अब दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड. ये देख लीजिएगा, स्टार्टिंग 18 सितंबर, किसी ने मुझसे पूछा था ना, 18 सितंबर से स्टार्ट है. मंडे वेंसडे 5:30 PM, 6 मंथ्स का जर्नी है.
एवरीथिंग विल बी ऑन जूम, 50 to 60 क्लासेस ऑन जूम, रिकॉर्डिंग विल बी गिवन फॉर 2+ ईयर्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रैक्टिकल, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल केस वी विल टेक, एंड अकेडमी मेंबरशिप मिलेगा आपको, रिपीट फ्री होगा, नोट्स मैं दे देती हूँ पहले, एंड इसके बाद ओके कोर्स डिटेल, पेमेंट, पेमेंट ये है इसका, अगर आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले लो। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। मैम, ये आकाशिक ब्लैक मैजिक क्या है? हाँ आकाशिक ब्लैक मैजिक क्या है? आकाशिक में जाके जो भी आपका नेगेटिविटी है उसको अलग तरीके से निकालना विद अनदर टूल, विद अ डिफरेंट टूल। जो मैंने ब्लैक मैजिक रिमूवल में सिखाया है वो अलग है, इसका टूल अलग होगा। इसमें ओके आपको हर एक हीलिंग के लिए अलग अलग टूल मिलेगा। जैसे एक टूल मैंने बताया माइकल, आर्कएंजल माइकल स्क्वाड है ना, वही तो हमने किया था उसमें, बट इसमें आपको अलग मिलेगा। ओके और ये जो भी क्योंकि कर्मा है, अभिचार कर्म है, अभिचार कर्म यूजुअली ब्लैक मैजिक वो चीज है, तो ये जो भी अभिचार कर्म है उसका डिटेल्स भी आकाशिक रिकॉर्ड में रहता है क्या? आपके साथ कुछ भी हो रहा हो वो आपके सोल के साथ हो रहा है ना, वो सोल रिकॉर्ड में तो जाएगा ही। ओके तो हाँ ओके तो उसका डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके हाँ कुछ भी, और इसके पहले जो आकाशिक का कोर्सेस हुए 1 2 3 वो सब वो फिर से रिपीट होंगे क्या? रिपीट। देखो जैसे अभी आकाशिक में जाना कैसे है, वो तो एक ही जैसा होगा ना, चाहे आप मैं कभी भी पढ़ाऊं वो चीज रहेगा, बट उसके बाद जो कोर्स का कंटेंट है दैट इज टोटली डिफरेंट। लाइक फेंग शुई का मैंने कभी नहीं सिखाया आकाशिक का, एनिमल स्पिरिट्स नहीं सिखाया, ये जितने भी अभी ऐड किए हैं मैंने बहुत कुछ, वो मैंने कभी नहीं सिखाया आज तक। नहीं क्योंकि मैं आई एम अब तो आई एम स्टिल कंसीडरिंग बट आई एम बिजी फ्रॉम अक्टूबर, सो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो अगर इफ आई मिस दिस टाइम आगे 1 2 3 होगा क्या? नो बोलो, इसके पहले जो 1 2 3 हुआ वो बिल्कुल नहीं होगा। आपके सोल चूज करेगा तो आप मेरे को क्लास में मिलोगे, इट्स तो अप टू जो यू। नॉर्मल 2 मंथ्स कोर्सेस नहीं हो गया आपसे ये आकाशिक एक का? साल बाद रिपीट हो रहा है, एक नहीं हाँ 1.5 साल बाद रिपीट हो रहा है ये ओ आकाशिक, ओके ओके मैंने अभी 1.5 साल कराया ही नहीं। और ठीक है। ओके ओके थैंक्स। एंड यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग आई थिंक। एक कोर्स का मैम ये तो सारे ही कोर्स का भी टाइम क्या रहेगा इसका? देते हैं, इसका 5:30, एक 1.5 1.5 घंटा तो लगेगा। मैम चेंज नहीं हो सकता टाइम ये, आप ये इंस्टीट्यूट में बात कर लीजिएगा, आपके इसमें तो हम पास क्लास ही नहीं नंबर कर है ना। पाते ना कौन टाइम में बिल्कुल भी। जी प्रवीण जी बोल रहे हैं? जी जी प्रवीण जी आप तो राजीव सर से बात कर लो ना। जी मैम कैन आई आस्क समथिंग? जी ठीक है मैम, मैम आपने कहा था कि जैसे अभी इसमें थैंक यू। शील्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अभी आप थे तो शील्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अदरवाइज जब हम करते हैं तो हमें शील्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैम ऑब्जर्व की है कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ अपने आप से, जैसे अभी आपके साथ मेडिटेशन करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे जैसे यहाँ पे प्रेशर फील होता है, यहाँ पे कुछ अच्छा सा लगता है क्राउन चक्रा में, लेकिन जब मैं अपने आप से मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे ना वो जो फीलिंग, अच्छी फीलिंग होती है ना, वो नहीं आती है। जैसे यहाँ यहाँ पे प्रेशर था फील होता है, इट डजंट गिव अ गुड फीलिंग, यहाँ यहाँ प्रेशर फील होता है। सो डू एक्सरसाइज बिफोर सिटिंग इन द मेडिटेशन, बेसिकली आपका क्लेंजिंग का प्रॉब्लम है, यू नीड टू क्लेंज योर सेल्फ। ओके तो वो कौन सी एक्सरसाइज होती है बिफोर सिटिंग इन टू द मेडिटेशन? एटलीस्ट नॉर्मली ऐसे ऐसे आईज रोटेट करो ओके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर गले का एक्सरसाइज, फिर अपर बॉडी एक्सरसाइज, नीचे कुछ भी नहीं है तो जंपिंग जैक करो, ओके उसमें ओके सारा ही चक्रा खुल जाता है ना।
अच्छा, ओके. सो मींस सिटिंग बिफोर इनटू द मेडिटेशन हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं किसी गुरु के साथ, जैसे आपके साथ बैठती हूँ या मैं लामा फेरा कर रही हूँ मैम के साथ बैठती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है एकदम. यहाँ पे हाँ प्रेशर इतना का फील होता है, यहाँ पे कुछ फील होता है ऐसे करके. वो डिवाइन एनर्जी काफी फ्लो होती है ना, इट्स लाइक अ वाटरफॉल, पूरा फ्लो हो रहा है आपके पास। हाँ अब आपका बर्तन कितना बड़ा है, वो पूरा हाँ लेगा या यस ओवरफ्लो होगा, या जहां जहां हो रहा है वहां वहां ब्लॉकेज है तो वहां वहां पेन करेगा। यस दैट्स और व्हाई लेकिन यू शुड ओपन अप। ओके, जब अपने आप करो ना तो वो ब्यूटी फील नहीं होती है. अपने आप करो तो यहाँ यहाँ पे प्रेशर है, कोई अंदर धक्का मारा से आया से. वो ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट ऐसे ऐसे करके विल के साथ अंदर जाते हो क्या? नहीं, अपने आप से, अपने जैसे बैठो ना तो इतना अच्छा लगता है ना कि बैठे बैठे लगता है कि वैसे बैठे रहो, उसी पोजीशन में बैठे रहो, हल्का सांस लो ओके, इट विल ग्रेजुअली गो, डोंट वरी, एक्सरसाइज करके ओके देखो, इट विल गो। ओके ओके मैडम, ठीक, हाँ थैंक्स. जी, इंग्लिश आई एम सतीश फ्रॉम तमिलनाडु, कैन यू टीच इंग्लिश लैंग्वेज इन दिस कोर्स? एंड हिंदी आई कैन टीच इन इंग्लिश, बट देन हाँ, पीपल आर देयर, इवन आई कैन टीच इन तमिल ऑल्सो, आई एम अ तमिलियन ओनली, बट देन आई नो, यू नो तमिल? या आई नो तमिल, बट देन अदर पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, सो आई हैव टू गो विद एवरीबॉडी, राइट? இல்ல இல்ல உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமா? சரி நல்லாவே தெரியும் சார். சரி, ஓகே ஓகே, நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, பட் ஐ வில் நாட் எனக்கு ஸ்பீக் இன் தமிழ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஓகே ஓகே ஓகே, நான் எவ்ரிபடி. ஏதோ டவுட்னா தனியாக கேட்டுக்கலாம் உங்கள்கிட்ட. ஓகே 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 எனக்கு அதான் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருந்தது, வேற ஒன்றும் சரி. இல்லை. இது எனக்கு அந்த இப்போ தான் நான் ஜாயின் பண்ணேன், சிலபஸ் கொஞ்சம் காமிக்க முடியுமா மறுபடியும்? ஆ ஆ ஷோ பண்ணுங்க. சிலபஸ் இட்ஸ் ஹியர். 6 மந்தா மேடம் அது? 6 months, yes. ஈஸியா அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் ஈஸியா அக்சஸ் பண்ணலாம்ல? Yeah. ஓகே ஓகே மேடம், நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் மேடம். உங்கள் நம்பர் இதில் இது பண்ணிவிடுங்க, ஃபோன் நம்பர், Okay. கான்டெக்ட் நம்பர். Okay. ஓகே ஓகே ஓகே. உங்கள் நேம் மேடம்? சங்கீதா. ஓகே மேடம், தேங்க் யூ மேடம், தேங்க் யூ மேடம். மேம் இன்னும் இன்னும் மேம் ஓகே மேடம், मैम मैं இவ்வளோ ये தான் पूछना நம்மளுக்கு சிலபஸ் चाहूंगा। இருக்கா? हाँ जी, कौन बोल रहा है? एस ए. या मैम, दिस इज अतुल। या हाय अतुल. या मैम, मैं ये बोलना चाहूंगा आपसे कि हम लोग जो आप मेडिटेशन कराते हैं तो हम किस ब्रेन वेव में जाते हैं, अल्फा? अल्फा में कैसे मेडिटेशन होगा? ओके, तो मतलब किस ब्रेन वेव में जाते हैं? जस्ट मेरी क्यूरियस हूं मैं, दैट्स व्हाई पूछा मैंने आपसे। इट्स यू कैन से व्हेनेवर यू गेट दैट नमनेस ट्रांस वाला फीलिंग, यू गो इनटू थीटा. ओके, जैसे इन्होंने बोला कि मेरे को इधर इतना प्रेशर पड़ रहा है, दैट मींस वो जाना चाहती है थीटा वेव में, बट वो है अभी गामा में. इट्स अ फ्रिक्शन बिटवीन टू वेव्स. मैं मुझे भी कुछ पूछना है मेडिटेशन के बारे में। हाँ पूछिए पूछिए. वैसे भी लामा फेरा क्लास में पूछती ही हूँ, तो अब ये फिर भी पूछने का मन हो रहा है, क्योंकि हम लोग का लामा फेरा का क्लास सेकेंड वाला वे स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं उसके लिए रुकी हुई थी। तो ओके आज मौका मिला है तो फिर पूछ ही लेती हूँ। हाँ वैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, 2017 हाँ से ही मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है। तो हाँ बीच में मेरा गैप हो गया जब मैंने गुवाहाटी छोड़ा यहाँ पे आने के बाद। ओके फिर रिसेंटली ये लम्बा फेरा क्लास करने के बाद मेरा फिर से मेडिटेशन करना कंटिन्यू हुआ है बोल सकते हैं। ओके फिर मैंने अपने आप को हीलिंग भी दिया है। ओके 3 टाइम या 4 टाइम जब मैंने हीलिंग किया, हीलिंग करने के बाद एक दिन मैंने ऐसे ही मतलब कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना मेडिटेशन करने से भी, हाँ मैंने ऐसा ही जो आपने एक वो बीज मंत्र का कुछ बोला था अभी, मुझे नाम याद नहीं आ रही है, सो वो मैंने सुन के मैंने मेडिटेशन किया। महामृत्युंजय यस मंत्र यस यस, महामन्मृत्युंजय जप। तो वो मैंने बोला. हाँ मैंने सुन 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 के ही मैंने ये किया था। ओके और वैसे मेरा जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ, थोड़ा टाइम बाद ही मेरा सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है गर्म होना। और मैंने पहले भी मैम को बताया था कि मुझे रूट चक्र इतना फील नहीं होता है, ठीक बट है मेरा स्पेशल यहाँ पे 3rd आई में मेरा बहुत ये हुआ है, ठीक है लेकिन लामा खेड़ा क्लास के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है। ठीक है ठीक लेकिन जिस दिन मैंने वो महामृत्युंजय जब सुन के, मैं है ऐसे ठीक बैठी हुई थी 11 ऐसे टाइम पे नाइट का सोने से है पहले, तो ऐसा ही तो मेरा यहाँ पे प्रेशर होता है। फिर उसके बाद मुझे ये पोर्शन मतलब ऐसे खींचता है बहुत ज्यादा, यहाँ से लेके मतलब इस पार्ट में मेरा क्राउन बहुत खींचता क्राउन अजना सब खींचता है आपको. है। ओके
मतलब नहीं आज ना, सिर्फ आज ना नहीं, आज ना की ऊपर में यहाँ तक मतलब पूरा क्राउन तक क्राउन मुझे एरिया। हाँ मतलब ये वाला। ऐसे खींच देता है मतलब लाइनिंग के हिसाब से। फिर उसके बाद उस दिन जब मैंने ये सुन के जब मैंने मेडिटेशन किया, फटक से ये मेरा सोच है या क्या है आई डोंट नो एग्जैक्टली, फटक से ब्लू कलर का स्टोन टाइप चिपकाया जैसा लगा यहाँ पे मतलब फोरहेड पे। उस दिन से मेरा बहुत ज्यादा हेडेक हुआ नेक्स्ट डे को। सो दैट ऐसा इज हेडेक। योर, सो दैट इज योर ब्लू पर्ल, ब्लू चिप बोलते हैं ना हम लोग, ब्लू प्रिंट। क्यों उसमें ब्लू का नाम दिया है, कभी सोचा आपने? तो इट एक्चुअली मुझे हैज इतना गॉट वो पता मेनी था। मेनी सीक्रेट्स, ठीक है? तो अच्छा। वो आपको दिखा। तो बेसिकली वी ऑल आर पावरफुल, हम सब पावरफुल हैं, बट हम इतना सोच के अपने आप को रोक लेते हैं ना, वो प्रॉब्लम है। वो हमें रिसीव करना आता नहीं है हमारा पावर। अगर किसी ने बोल दिया आप पावरफुल हो, आप रिसीव कर पाओगे वो स्टेटमेंट? नहीं नहीं नहीं, नहीं इतना जजमेंट वो हो जाते ये हैं ना, हम पावरफुल हैं। तो वही मतलब जिस दिन मेरा ये ब्लू कलर का जो मतलब स्टोन टाइप लंबा करके जो वेरी गुड, चिपका दिया अक्नॉलेज ना, इट, वेरी गुड, अक्नॉलेज इट, बोलो आई एम पावरफुल। मैं ये स्टेटमेंट बोलो डेली। ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं फिर से स्टार्ट करूंगी। उस दिन मतलब नेक्स्ट डे को मैं कंटिन्यू मेरा 3 दिन जैसा मतलब मैं जब भी फिर डर लग गया मेरे को बैठने में कि उस दिन ऐसा मतलब हो बताओ, गया। अपना अपना पावर देखने में डर लगता है, अपना रिकॉर्ड देखने में डर लगता है भाई साहब। चलो भाई, अच्छा मतलब रहेगा जर्नी। मैं या डर गई बाय ये बाय फिर पूर्णिमा। बाय तो मैम, थैंक यू मैं सो मच, थैंक यू। वेलकम। तो सो मैं डर गई मैम, तो नहीं नहीं डर के डरने की मैं बात नहीं है, इट्स इट्स वेरी पावरफुल, यू आर वेरी पावरफुल, एक्नॉलेज दैट। वो पता नहीं है, लेकिन वही कि मतलब मैं उसके वो बाद अभी से पता थोड़ा सा लग जाएगा वो जब आप हीलिंग करोगे सबकी, आप खुद देखोगे कि आप कितने लोगों का लाइफ चेंज कर सकते हो, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा यू आर पावरफुल, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं यही पूछना चाहती थी कि जैसे कि महामृत्युंजय जप कर मतलब जप सुन के जब मैंने मेडिटेशन किया तो मेरा ये मतलब हुआ है, हाफ एन आवर जैसा या 45 मिनट जैसा मैं करती थी, तो मैं वही कंटिन्यू करूँ या ना करूँ? क्योंकि एक बार ऐसे मतलब वो हो गया फिर मेरे में स्टॉप कर दिया वो म्यूजिक सुनना, कि अब भी मुझे एक बार ऐसा हुआ तो मेरा 3 दिन तक मतलब ऐसा हेडेक हुआ, फिर उसके बाद मैं किया नहीं नहीं, फिर। हम इस पे काम करेंगे। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो हम इस पे काम करेंगे, ठीक है? मैं ट्राई करूंगी मैम, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, मुझे हाँ, मैं बहुत भी, इंटरेस्ट मेरे को है। भी पता और नहीं है आप ज्वाइन करोगे नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर करोगे तो वी विल वर्क ऑन इट, ठीक है? मुझे मुझे ज्वाइन करने का मन है मैम बहुत। और अभी मेरा वो ही सब, पहले तो मुझे ब्रह्म मुहूर्त में मेरा आँख खोल जाती थी, तो अभी मेरा फिर से ये स्टार्ट हुआ है कि मतलब 2 दिन हो गया कंटिन्यू, मैं 4:02 में ही मेरा आँख खोलते हैं। पहले दिन जब खोला था तो ऐसे ही मतलब थोड़ा सा मुझे बहुत ही ज्यादा वार्म फील होता था, लेकिन मेडिटेशन करने से मैं कल और परसों फटक से मेरा आँख खोल गया। ऐसे तो मेरा आँख खोलता नहीं है स्पेशली उस टाइम पे, कम से कम 1.5 साल से सो द जैसे थिंग इज, हो गया। इसका मतलब ये है आपको हायर बीइंग्स कुछ मैसेज दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अक्नॉलेज इट, ठीक है? उसको रिसीव करो कि आप, बेसिकली वो लोग नॉक करते हैं हमारा डोर, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त उसका नाम है, ठीक है? तो उस टाइम में सब बहुत हायर बीइंग्स हमारे पास आके, सी जब हम इस सब पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? किसी की हेल्प करने के लिए पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो? जानने के उनके हेल्पर बन जाते हो, आप भगवान के हेल्पर। भगवान का हेल्पर कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपको वो तो उठाएंगे ना 4 बजे जान तो, ओके? ये बहुत कभी कभी आलसी लग जाती है, लेकिन अभी अच्छा ही लगा है 2 दिन से। अगर मतलब 2 दिन से तो अच्छा ही लगा है, मतलब टाइम भी पता नहीं चल रहा है उस तो टाइम पे जब मैं इट्स मेडिटेशन लाइक कर यू रही नो, हूँ। अगर कोई स्टॉप करता है ना कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, ये देखो सबका अपना अपना होता है, ठीक है? मैं ये कर रहा हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये टाइम ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये है, अभी इतना पैसा नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, ये सब हमारे दिमाग में चलता है। थैंक यू जी, रश्मि जी, ये सब चलता है, बट सोल का अपना नीड है। नॉलेज इज टोटली डिफरेंट। सो आपके मुझे पास फ्री विल है, इसी को फ्री विल बोलते हैं।
डेस्टिनी आप अलग करते हो, डेस्टिनी वही पहुंचोगे जब आप फ्री विल उस हिसाब से लेते हो तो। ओके मुझे मुझे ज्वाइन करने का मन है मैम, मैं जितना हो सके ज्वाइन करने के लिए ट्राई करूंगी। और मैंने ऑलरेडी वो आकाशिक वो टेरो भी मतलब मैंने ज्वाइन किया है, ओके तो ओके हाँ हाँ, तो मैं ये मतलब मैं जितना हो सके मैं ट्राई करूंगी। हाँ इट्स ओके, इतना प्रेशर मत लो, आराम से चिल मारो। और मुझे एक और क्वेश्चन पूछनी थी मैम, अभी मैं फिर से वही मतलब जो महामृत्युंजय जाप जो था वो मैं सुन के अगर मेडिटेशन इतना कर डर सकती लग रहा हूँ? है तो शिव जी से पास जाओ और बोलो कि भाई मेरे को इतनी शक्ति नहीं चाहिए, आप वापस ले लो। नहीं वो लोग कभी कभार नहीं, मतलब एक्चुअली मैं ही चाहती थी कि पहले मेरा ऐसा होता था कि मैं किसी का भी फेस देखती हूँ तो पटक से मुझे पता चल जाते हैं, या फिर किसी मैं का भी बोल रही आवाज हूँ ना, सुनती यू हूँ आर तो। पावरफुल, यू आर कंट्रोलिंग इट। ओके ओके थैंक यू मैम। एनी फर्दर क्वेश्चंस किसी का? सो यू दोनों यू चैंट डेली आई एम पावरफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम अरे मैं दो कोर्स एक साथ ही कर रही हूँ, जो हम लोग कितने सारे कोर्स एक साथ करते हैं, आप लोग पता नहीं क्या, दो कोर्स तीन कोर्स गिनते हैं। मैं हाँ जॉब पे भी जाती हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, एंड आई हैव हाँ गॉट टू किड्स, आई लिव विद माय इन लॉज, सब कुछ करते हैं हम लोग। नहीं ये तो मैं भी कॉलेज में ही काम करती हूँ, लेकिन मैम मीन्स टाइम थोड़ा कम होता है इसलिए हाँ मन भी गया वो है आप आप। लोग दे, हाँ करेक्ट, वो आप लोग देख लीजिए, अपने अपने हिसाब से देख लीजिए जैसा भी और एक लामा फेरा पूरा वो है। हो जाएगा, और इसके हुंकारा भी ज्वाइन किया है, तो ओके मैनेज करके से ये भी अच्छा लगा है, लेकिन ये बोल नहीं सकते अभी तक। ओके अप टू यू। हाँ सो ये सब हीलिंग कोर्सेस हैं, है ना? हाँ हाँ सो हीलिंग में ही है इंटरेस्ट अभी, क्या बात है, ये 2 इयर्स करके अच्छा ही लगा। हुंकारा तो स्टार्ट नहीं हुआ मैम। ओके बाय एवरीबॉडी, हैव बाय अ मैम, ग्रेट जर्नी, अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।